हमारी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है कि यह दोनों गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इनका एक दोस्त इनके पास आता है और कहता है, भाइयों आज जंगल में लकड़ी बीनने नहीं जा रहे हो। तभी यह लड़के लोग कहते हैं, नहीं यार आज तो हम नहीं जाएंगे। तभी यह लड़का अकेले ही जंगल में लकड़ी बीनने के लिए चला जाता है। तभी यह लड़का जंगल में पहुँच जाता है और वह जंगल में दो खतरनाक चुड़ैलें भी रहती हैं। तभी यह लड़का उनके पास आ जाता है और उनको देख के बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। तभी इन दोनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल वह लड़के के पीछे पड़ जाती है और वह चुड़ैल कहती है, लड़के रुक जा, अब मैं तुझे मार दूंगी। यह लड़का बहुत तेज़ी से भागने लगता है और घूंघट वाली चुड़ैल भी यह लड़के के पीछे चाकू लेके पड़ जाती है। तभी यह लड़का भागते भागते बहुत थक जाता है, एक तालाब के किनारे आके खड़ा हो जाता है। तभी घूंघट वाली चुड़ैल पीछे से आती है और यह लड़के को 2-3 बार चाकू से मारती है। तभी यह लड़का बेहोश हो जाता है। तभी दो गाँव वाले वहाँ से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वह दोनों रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी घूंघट वाली चुड़ैल देखती है कि आगे से दो गांव वाले आ रहे हैं। तभी उनको देख के यह चुड़ैल बहुत तेज़ी से वहां से भागने लगती है। तभी वह दोनों गांव वाले यह लड़के के पास आ जाते हैं और देखते हैं, अरे इस लड़के को तो मुझे चुड़ैल ने मार दिया, अब हम क्या करें, ऐसे तो हमारा गाँव खतरे में है।